गाजीपुर थे और वहाँ काम करते थे, तो मेरा ताल्लुक इनसे तभी हो चुका गजलों के हवाले से। शायर में इनकी कुछ गजलें छपी थी, इफ्तिखार ने मुझे फ़ोन किया था कि कुछ गजलें हैं ये देखो शकील आजमी की, पढ़ो कैसी लगती है। मैंने पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने इफ्तिखार को कहा, उनका ये बहुत अच्छा शायर बोले यार, हाँ बोले ये बहुत अच्छा शायर है। इफ्तिखार कहने लगे, नहीं यार वो एक गड़बड़ कर रहा है। तो मैंने कहा क्या गड़बड़ कर रहा है? बोले वो बम्बई आना चाहता है। तो मैंने कहा इसमें क्या बुराई है, आने दो, उस बम्बई आएगा तो क्या हो गया, उस बम्बई में काम करेगा, यहाँ भी शायरी करेगा। मैंने कहा मुझे देखो, मैं आया हूँ ना बम्बई में, लेकिन मेरे सामने ये मजलू साहब का और शकील बदायूनी का और साहिल उदयानवी का सबका जो है मंजरनामा है कि ये सब जो इन्होंने फिल्मों में आने से पहले किया अदब के लिए, ये वहीं रह गए। उसके बाद में इन्होंने कुछ काम नहीं किया इल्म अदब के लिए। मजलू साहब 110-15 गजलों से आगे नहीं बढ़े, वो परछाइयाँ से आगे नहीं बढ़े साहिल उदयानवी। शकील जो है वो भी अदब में इल्म अदब के लिए कोई खास नहीं, फिल्मों के ही होके रह गए। तो मेरे सामने ये मंजरनामा था और मैं जब दिल्ली से आया था तो मैं अदब में इतना रच बस गया था अब भी लोगों में उठ बैठ के कि वो मुझसे तो छोड़ा नहीं जाता था। मैं आया था सिर्फ रोजी रोटी के लिए यहाँ, तो मैंने वो भी किया और यहाँ 20 किताबें इसलिए लिख पाया मैं कि उस रोजी रोटी कमाने की वजह से मैं अपनी वो 20 किताबें छपवा सकूँ। अगर वो सब नहीं होता तो मैं वो ये सब मैं नहीं कर पाता। बहरहाल मैंने अदब को छोड़ा नहीं, एक लम्हे के लिए नहीं छोड़ा। और जब शकील यहाँ आए, उससे मुलाकात हुई, एक रोज़ फ़ोन किया मैं मिलना चाहता हूँ, मैंने कहा चले आओ, ये मिल्लत नगर आए, हम जाके उधर एक गार्डन है उस गार्डन में जाके बैठे। और फिर ये सिलसिला रोज़ का हो गया, ये दिन भर स्ट्रगल करते थे, शाम को मेरे पास आ जाते थे और अपना सारा सुख दुख जो है मेरे साथ शेयर करते थे। काफ़ी अरसे तक मतलब हमारा ये सिलसिला जारी रहा और मैं उस ज़माने से इनको अपने छोटे भाई की तरह ही ट्रीट करता हूँ। घर में मेरी बेटियाँ सब जानती है और सब शकील अंकल ये खुद भी जानते हैं, ये खुद भी याद करते हैं। अब थोड़ी बड़ी हो गई है क्योंकि काफ़ी अरसे से इधर मिलना जुलना हमारा थोड़ा उनका तय हो गया, लेकिन मोहब्बत तो वही रही, तुम छोटे भाई की तरह आज भी मानते हैं। और मेरा रिश्ता ऐसा होता है कि जिससे एक बार हो जाता है तो फिर वो ख़त्म नहीं होता है, ख़त्म नहीं होता है। सामने वाला ही अगर तोड़ दे तो तोड़ दे, हम अपनी तरफ से कभी कोई रिश्ता नहीं किया। तो ये रहा इनके साथ मामला। और आज भी वैसे अब तो हम बीना रोड आ गए, तो पहले मिल्लत नगर में थे, बीरा रोड आ गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बीरा रोड भी इनके घर में बैठा है ना, मैं अपने ही घर में बैठा हूँ ऐसा लगता है मुझे इनके इनसे मिल के और इनके यहाँ आकर। तो ये सारा मामला रहा कि मैंने यहाँ आने के बाद अदब का काम ज़्यादा किया, फिल्मों का काम मैंने सिर्फ रोजी रोटी के लिए किया, बाकी अदब का काम मैंने ज़्यादा किया, चाहे वो शायरी हो, चाहे तनकीद हो, चाहे अफसाना हो। मैं 13 अफसाने लिखे और वो तमाम 13 अफसाने जो मेरे हैं उनमें एक तारीख नज़र आएगी आपको। मैंने शाहबानों पे पहला अफसाना लिखा, अच्छा उसकी भी एक वजह थी कि जॉन एलिया की जो बीवी हैं उन्होंने एक अफसाना लिखा शाहबानों पे, और बहुत ही, हालांकि वो तो पाकिस्तान की थी, तो उन्होंने बहुत नेगेटिव अफसाना लिखा, जबकि मैंने शाहबानों का भी इंटरव्यू किया था और उनके जो हस्बैंड थे मोहम्मद मियाँ जिनको प्यारे मियाँ कहते थे उनका भी इंटरव्यू किया था, और मुझे वो सारी हकीकत जो है मालूम थी। और मेरे उस मजमून को कई इंग्लिश अखबारों ने इन्होंने शाया किया था अलग अलग,
तो उन्होंने बहुत नेगेटिव लिखा था, तो मैंने वो पहला अफसाना इस वजह से लिखा कि उन्होंने नेगेटिव लिखा था, तो मैंने उसकी पॉजिटिवनेस जो थी वो बताई कि भाई ये ऐसा नहीं है कि एक 65 साल की बुढ़िया में लोगों ने कोई वो कर दिया है, जुल्म और सितम कर दिया है, बल्कि ये सब उसको किसी ने बहकाया था। एक यही कि हमारे पूना के एक हजरत थे और वकील थे वो, जो मोहम्मद मियां वहाँ सुप्रीम कोर्ट के वकील थे और बहुत मशहूर थे, तो पूरे इंदौर में उनका नाम था। उनको नीचा दिखाना चाहता था वो, और वो थे ईसाई, तो उन्होंने इस बुढ़िया को पकड़ लिया और बस बहका दिया। लेकिन आखिर में ये हुआ कि वो भी अपने रास्ते पे आ गई थी। जब मैंने इंटरव्यू किया तो सब मामला रफा दफा हो गया था, लेकिन हिंदुस्तान में उस मामले को बहुत उठाया और आज तक उसको नेगेटिव वे में ही देखा जाता है, शाहबानू के केस को, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वो बिल्कुल अंगूठा छाप थी और मोहम्मद मियां सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के वकील थे, दोनों का मिजाज ही उसकी जड़ें वहां से निकली, समझे ना। तो ये बहुत बड़ा मतलब उस वक्त का वाकया था जिसकी मैंने पूरी रिपोर्टिंग की दिल्ली में रहते। बहरहाल तो ये सब काम हम करते रहे। अब यहाँ पे जब आए तो फिल्मों में तो बहुत दुश्वारी होती है, आप लोग जानते ही हैं कितने फाफड़ मिलना पड़ते हैं और कितना मतलब वो अपने आप को। लेकिन मैंने कभी भी अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कभी अपनी अना को वो नहीं होने दिया। दो वाक़यात मैं बताऊंगा उसके ताल्लुक से। एक तो एक यहाँ हमारे यहाँ एक कस्टम के सिंह साहब करके डायरेक्टर जनरल आए थे, कस्टम सिंह सरदार थे वो, और उनकी बेगम को गाना गाने का शौक था, पामेला सिंह नाम का उसका, वो बहुत अच्छी गजलें गाती थी और गज़ल का उस वक्त ज़बरदस्त पीरियड था। तो मेहदी हसन आ चुके थे, गुलाम अली आ चुके थे और धूम मच गई थी पूरे हिंदुस्तान में, इधर देखो उधर गजलों के प्रोग्राम हो रहे थे। अच्छा, हमारी गजलें तो सब गा रहे थे, जगजीत, पंकज उदास, चंदन दास, आपके ये जितने भी टॉप के गजल सिंगर सब, पिनाज मसानी, चंदन दास, हरी हरन, मतलब सबके सब हमारी गजलें खूब कामयाबी से, राजकुमार रिजवी, भूपेंद्र मिताली, सब कई एल्बम में इन लोगों ने हमारी गजलें गाई। और ना सिर्फ हिंदुस्तान में, दुबई में, उधर अमेरिका में, कनाडा में, जहाँ जहाँ भी जाते थे इनके प्रोग्राम होते थे तो हमारी गजलें ये लोग कामयाबी से गाते हैं, अभी भी गाते हैं, बहुत गजलें गाई जाती हैं। तो उसकी वजह से टी सीरीज में हमने एल्बम बहुत किए, टी सीरीज में एल्बम हमने बहुत किए गजलों के, और सबसे ज़्यादा किए, किसी से कम नहीं किया। किसी की दो गजलें आती थी और हमारी एक ही एल्बम में चार गजलें होती थी, किसी की एक गजल होती थी और हमारी चार पांच गजलें होती थी। इस तरह से मैंने एल्बम में बहुत काम किया, क्योंकि सब सिंगर पसंद करते थे, हिट होती थी उनके प्रोग्राम में तो उसको रिकॉर्ड करते थे, मेन वजह ये थी, नहीं तो कोई किसी का सगा नहीं है। आप कोई दो चार गजलें लेके जाइए सुनाइए, कोई आपको घास नहीं डालता। ये सिंगर इतने मतलब कहना चाहिए कि उस तरह के होते हैं, किसी को लिफ्ट नहीं देते, उनका भली कोई सगा रिश्तेदार क्यों ना हो, आप लोग सब जानते ही होंगे इस बात को। तो हमारी बेशुमार गजलें हो रही है, तलत अजीज खूब गायक, तलत अजीज ने हमें कम से कम 8-10 एल्बम में गाया उस शख्स ने, और किसी एक एल्बम तो सिर्फ एक गजल थी कतील सिपाही की और बाकी पूरे एल्बम में मेरी गजल। तो इस तरह से वो सफ़र मेरा जो है अच्छा रहा। हाँ, एक एक महीने में 40-40 गजलें मेरी रिकॉर्ड हुई, एक एक महीने, और एक एक दिन में 4-4, 5-5 जगह स्टूडियो में मेरी रिकॉर्डिंग होती रहती थी। कहीं पिनाज कर रही है, कहीं हरिहरन कर रहे हैं, कहीं वो भूपेंद्र मिताली रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो तीन तीन चार चार जगह मुझे जाना पड़ता था।
सबसे सबके बाद, समझे? तो ये अच्छा वक्त देखा। अच्छा, एक महीने में कम से कम 15 से 20 एल्बम की रिलीज होती थी, है? तो कहाँ होती थी? सन एंड सैंड में, सन एंड सैंड में रिलीज हो रहा है एल्बम, दिलीप कुमार रिलीज कर रहे हैं, हैं? कहीं देवानंद रिलीज कर रहे हैं, कहीं राज कपूर रिलीज कर रहे हैं, ये सब वक्त देखा हमने उस वक्त। और एक एक महीने में 20-20, 15-15 एल्बम मेरे रिलीज, तो वो अच्छा वक्त रहा। और उसकी वजह से 10-10, 15-15 एल्बम जिनमें मेरी गजलें होती थी, है? और 15-20 एल्बम रिलीज होते थे तो वो रात हमारी उधर ही गुजरती थी होटलों में ही, और बड़ी बड़ी होटलों में। बहरहाल तो ये अच्छा वक्त देखा उस वक्त, लेकिन हमने इसके बावजूद, इस ग्लेमर में आने के बावजूद इल्म अदब को नहीं छोड़ा। हमने कहा कि असल जो चीज है वो तो हमारा इल्म अदब ही है यार, इसी से जिंदा रहेंगे। गालिब ने कोई फिल्मों में लिख के गाने नहीं नाम कमाया, या मीर ने कोई फिल्मों में लिख के नहीं कमाया, है? आज उनका जो मकाम है, और फिर इन सबका मेरे सामने था कि एक एक दो दो किताबों से ये लोग आगे नहीं बढ़े, इन्होंने कुछ किया नहीं, सब उलझ के रह गए उसमें। हालांकि मजरूह साहब ने तो 50 साल की इनिंग खेली, हैं? कितना बड़ा काम किया फिल्म के, लेकिन क्या किया अदब के? अदबी काम बहुत कम है, एक एक ही है वो, बस उतना सही है। गजल, हाँ, उनका 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 देखिए, वो अपना साहिल लुधियानवी का एक वही परछाइयाँ है, और क्या है, तलकियाँ परछाइयाँ जो भी है, बस वही है। हाँ, वो भी पतली पतली है, हालांकि वो शुरू में हम उन किताबों के फैन रहे, और मजरू साहब की तो गजल का क्या कहना है, हम आज भी उनके दीवाने हैं। गजल जितनी पायदार और जितनी मजबूत गजल हमारे हिंदुस्तान में मजरू साहब ने कही है, किसी और शायर की हमें नहीं मिलती इतनी मजबूत गजल और इतनी अच्छी गजल मजरू साहब। हाँ, जिगर साहब के, लेकिन ये गजल में जिगर से आगे मैं ये कहूँगा। अच्छा, आप दिल्ली से? हाँ, किस सन दिल्ली में? 81 में आया दिल्ली में। शमा और 20वीं सदी के? 20वीं सदी नहीं। अच्छा, शमा में रहा 6 साल और 2 साल सरिता में रहा। सरिता में रहा, तो हिंदी उर्दू के दोनों बड़े जो इदारे थे उन दोनों में मैंने काम किया। शमा में किस सन में रहे? शमा में मैं रहा 70 में गया था मैं, 76 तक मैं शमा में। 81 भाई थे, वो यूनुस देलवी, इदरीस देलवी और इलियास देलवी, तो बीच वाले जो थे वो इदरीस देलवी थे। इलियास देलवी थे जो वो वहीं पे अकाउंट वगैरह ये सब संभालते थे, शमा में ही रह के वो आते जाते नहीं थे। यूनुस साहब जो थे वो बहुत ज़हीन आदमी थे, जिनका अभी 2-4 साल पहले ही इंतकाल हुआ, और वो सारे अफसाने वगैरह ये वो सब देखते थे। शायरी वहाँ देखते थे बिस्मिल सईद के साथ, मतलब जो शायरी आती थी उसका सिलेक्शन वगैरह जो रहता था वो बिस्मिल। अच्छा, बज़्म शमा कौन देखते? बज़्म शमा तो वहाँ एक थे जली, जली साहब दी एक एक जवाब मारते नहीं वो। अच्छा, जली साहब दी थे, लतीफे के साथ होता था जवाब ये। जब आप कहो ना प्यार है, लतीफे होते थे उसमें, ये मतलब जवाब में कंद भी होता था। मतलब भूल गया या आपने कहो ना प्यार है कैसे मिली, ये तो एक मतलब अजीब वो गरीब वाकया है उसका। दरअसल क्या है कि सावन कुमार ने एक पिक्चर बनाई थी जो मॉरिशस में शूट की थी, जिसमें ये थे राकेश रोशन, जितेंद्र और एक और तीन हीरो थे, और रेखा थी उसमें, है? रेखा थी। तो उस शूटिंग के दौरान
उस शूटिंग के दौरान उन्होंने चक्कर चलाया सावंत कुमार ने, पता चला कि ये ऋतिक रोशन के लिए एक पिक्चर बना रहे हैं, तो राकेश रोशन पर चक्कर चलाया और राकेश रोशन अंदर हो गए और कहा कि आप गाने लिखिए मेरी पिक्चर से। तो सावंत कुमार, सावंत कुमार ने तीन गाने रिकॉर्ड भी कर दिए हैं, लेकिन वो बाद में तो सावंत कुमार के जरिए मतलब वो नहीं नहीं सावंत कुमार के जरिए नहीं गया, सावंत कुमार को ले तो लिया, अब वो हड्डी गले में फंस गई, लिखा नहीं जा रहा उनसे। तो राजेश रोशन ने कहा कि ये किसको दे दिया इनको, इनसे नहीं लिखा जाएगा, ये तो सब मामला बहुत गड़बड़ है। तो फिर बोले कौन राइटर, मैं उनके यहाँ कर ही रहा था, मेरा वो गाना हिट हो गया था मोहब्बत ना करम देखते हैं, इसके अलावा भी दो चार फिल्में मैं कर चुका था उनके यहाँ। ये एसोसिएशन म्यूजिक कंपोजर कौन थे इसके, राजेश रोशन। अच्छा राजेश रोशन, नासिर की एंट्री कैसे तो क्या हुआ राजेश रोशन के जरिए नहीं, तो हुआ ये कि राकेश रोशन ने कहा कि फिर क्या करें, बेटे का मामला है और गाने तो अच्छे हिट ही चाहिए अपने को। तो एक गाना था जिसकी धुन बनी हुई थी और मुझसे लिखवाया, पहला गाना, पहला नहीं वो फिल्म में तो आखिर में आता नहीं, लेकिन हाँ पहला गाना, फिल्म का पहला गाना, वो तीन गाने रिकॉर्ड हो चुके हैं पहले, समझे ना, तीन गाने रिकॉर्ड हो चुके हैं और ये चौथा गाना था जो मुझसे लिखवाया, जो लास्ट में आ रहा था पिक्चर के, तू चलती है पवन क्यों झूमे है गगन, वो गाना था। तो मैंने धुन पे लिखा ना तुम जानो ना हम, ना तुम जानो ना हम, बहुत हिट हुआ, सुपर डुपर हिट हुआ। अब वो ये हुआ कि मैंने लिख दिया, राजेश रोशन तो एकदम भड़क उठे कि ये हो गया गाना, मामला खत्म। तो बुलाया राकेश रोशन को, सुनाया गाना, खुश हो गए वो, मुझे फ़ोन किया उन्होंने राजेश रोशन, बोले इब्राहिम जी वो क्या हुआ है मालूम है, एक डेवलपमेंट हो गया है जबरदस्त। अच्छा मुझे ये नहीं बताया था कि ये मैं फिल्म के लिए तुमसे लिखवा रहा हूँ, मुझे ये कहा कि ये गाना है इस पर गाना लिख दो, अपन बाद में देखते हैं इसका क्या बनेगा। मुझे फ़ोन किया तो मैं गेस्ट हाउस में रहता हूँ विले पार्क में, तो फ़ोन आया बोले इब्राहिम जी आप आ जाइए अभी दो घंटे में आ जाइए, धुन बन चुकी है, गाना हो गया, सब हो गया। तो मैंने कहा क्यों, क्या क्या डेवलपमेंट क्या हुआ है, नहीं बोले वो जो गाना आपने लिखा है वो दादा को पसंद आ गया है वो। मैं समझा नहीं दादा, उनका कौन दादा, अरे बोले राकेश जी उनको पसंद आ गया वो। मैं गया तो राकेश जी भी बैठे हुए, वो भी बैठे हुए और कहा कि अच्छा तब तक एक मुखड़ा और एक अंतरा लिखा था, ज़्यादा अंतरे नहीं लिखे थे, वो मीटर देखने के लिए एक मुखड़ा लिख दिया था और एक अंतरा लिख दिया। गए तो राकेश जी ने कहा कि अब ये तो गाना पूरा कीजिए, तीन अंतरे चाहिए मेरे को और आपका तो एक अंतरा लिखा हुआ है, ऐसा कीजिए चार अंतरे मुझे कम से कम और लिख के दी। तो मैंने कहा लिख देंगे, कब दे देंगे, मैंने कहा दो रोज तो दीजिए मुझे कम से कम, हाँ बोले दिए दो, दो दिन बाद हम चार क्या हम पांच अंतरे लिख के ले गए। उन्होंने कुछ नहीं किया, वो देखे फटाफट साइन किया उस पर, राइट मारा कि ये अंतरा रखेंगे, ये अंतरा रखेंगे और ये अंतरा रखेंगे, हो गया काम। ये कौन सा गाना था, यही क्यों चल जानो ना क्यों चलती है पवन, क्या बात। अच्छा फिर ये हो गया, फिर आया टाइटल सॉन्ग, उसमें बड़ी मगजमारी हुई। टाइटल सॉन्ग जब आया तो धुन ही था, होंगे तो हमने धुन पे कहा मुखड़ा कहा है, राकेश जी कहने लगे अच्छा जल्दी कह दिया हमने, हम बहुत फास्ट कहने वालों में से, 10 मिनट में गाना कई बार हमने लिखा है, तो कह दिया फौरन मुखड़ा उसका,
उनको ऐसा लगा कि इसने कोई मेहनत नहीं की, फौरन लिख दिया इसने तो है, मजा नहीं आया। तो कहने लगे वो राकेश जी कि नहीं नहीं अश्क जी क्या है कि वो इब्राहिम जी, अश्क जी नहीं इब्राहिम जी, बोले इब्राहिम जी क्या है ये वो मजा नहीं आया। मैंने कहा फिर और कहते हैं, फिर दूसरा मुखड़ा कहा, तीसरा कहा, मतलब आधे पौन घंटे में 13 मुखड़े कह दिए, आधे पौन घंटे में 13 मुखड़े कहे, और वो यही कहते रहे कि नहीं और कुछ कहिए और कुछ कहिए और कुछ कहिए। जब 13 सुना उन्होंने तो कहने लगे नहीं पहले जी वो जो पहले वाला है ना बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा जब तुम्हारे दिमाग में पहली चीज बैठ गई है तो मुझसे क्यों मेहनत करवाई इतनी। नहीं नहीं बोले मैं ये देख रहा था कि मेहनत करने से क्या, मैंने कहा ये मजदूरी है क्या, ये आर्ट का काम है यार, ये मजदूरी थोड़ी है कि जितना तो इस तरह से वो टाइटल सॉन्ग जो है कहो ना क्या है वो इस तरह से पास हो। ये मतलब आपकी अदबी जर्नी और आपकी लिटरेरी जर्नी और आपकी का ये फिल्म का सफ़र मुख्तसर लेकिन पूरी तरह से समझ में आने वाला, और कि आप कहाँ से चले और कहाँ तक पहुँचे और कैसे पहुँचे ये हमने सुना, और हमें बहुत कुछ ऐसा मालूम हुआ जो हम नहीं जानते थे। अब हम कुछ आपकी शायरी भी सुनना चाहेंगे। क्यों नहीं सुना देता हूँ कुछ अच्छा। अब चूंकि मैंने सब अस्ताब में काम किया थोड़ा थोड़ा मैं सब में से सुना, आप अपनी मर्जी से जो है। सबसे पहले तो हमारी उर्दू शायरी जो है हज़रत अमीर खुसरो से शुरू हुई है और दोहा उनकी इजाद है, तो मैं सबसे पहले दोहे सुनाता हूँ कुछ थोड़े बहुत, उसके बाद रुबाई सुनाऊंगा और उसके बाद ज़रूर ज़रूर। तो ये दोहा देखिए इसमें हम्द है, दोहा यूं है कि चंदा में भी नूर है सूरज में भी नूर, वाह चंदा में भी नूर है, नूर है सूरज में भी नूर, सब में जिसका नूर है वो कितना भरपूर, चंदा में भी नूर है सूरज में भी नूर, सब में जिसका नूर है वो कितना भरपूर, वाह वाह वाह। दूसरा दोहा देखिए कि मूंगा मोती चुन लिए पहन लिया पुखराज, मूंगा मोती चुन लिए पहन लिया पुखराज, मन का हीरा जब मिला आ गई मोहे लाज, मूंगा मोती चुन लिए पहन लिया पुखराज, मन का हीरा जब मिला आ गई मोहे लाज। अब माँ पे एक दोहा देखिए, हमने अपनी माँ को दोहे में याद किया, तो साहब हैं अपनी जगह माँ का अपना मान, साहब है अपनी जगह माँ का अपना मान, फिर साहब को जानना पहले माँ को जानना, साहब है अपनी जगह माँ का अपना मान, फिर साहब को जानना पहले माँ को जान। और अगला दोहा देखिए कि इसमें अम्बेडकर को याद करिए, अंबेडकर जैसी शख्सियत को याद कर सकते हैं हम, कि निर्धन का धन एक ही, निर्धन का धन एक ही गुण वाला हो पूत, निर्धन का धन एक ही, निर्धन का धन एक ही गुण वाला हो पूत, अपनी सारी नस्ल वो कर देगा मजबूत, निर्धन का धन एक ही गुण वाला हो पूत, अपनी सारी नस्ल को कर देगा मजबूर। एक और दोहा देखिए, ये इस तरह के थॉट दोहे में नहीं आते लेकिन एक हो गया ये दोहा और एक अलग सा थॉट आ गया है कि आए मुसीबत जब कभी ऐसे अचानक आए,
आए मुसीबत जब कभी ऐसे अचानक आए, आए मुसीबत जब कभी ऐसे अचानक आए, निर्धन का घोड़ा कहीं नहीं, आए मुसीबत जब कभी ऐसे अचानक आए, तांगे का घोड़ा कहीं रस्ते में मर जाए। आए मुसीबत जब कभी ऐसे अचानक आए, तांगे का घोड़ा कहीं रस्ते में मर जाए। अब एक रुवाई देखिए, एक कतरा दरिया है तो दरिया हो जा, एक कतरा दरिया है तो दरिया हो जा, एक जर्रे सहरा है तो सहरा हो जा, एक कतरा दरिया है तो दरिया हो जा, एक जर्रा सहरा है तो सहरा हो जा, इस तरह गुजर अश्क हदों से अपनी, इस तरह गुजर अश्क हदों से अपनी, एक शख्स अगर तू है तो दुनिया हो जा, एक कतरा दरिया है तो दरिया हो जा, एक जर्रा सहरा है तो सहरा हो जा, इस तरह गुजर अश्क हदों से अपनी, एक शख्स अगर तू है दुनिया हो जा। अब ये मैंने रुबाइयात में बहुत सारे तजुर्बात किए हैं और तरह तरह के मतलब उसमें तजुर्बात हैं। अब ये जो रुबाई है इसमें दो काफी हैं। रुबाई देखिए कि घर छोड़ के फरजाने निकल जाते हैं, घर और फरजाने दो का, घर छोड़ के फरजाने निकल जाते हैं, घर छोड़ के मस्ताने निकल जाते हैं, घर छोड़ के फरजाने निकल जाते हैं, घर छोड़ के मस्ताने निकल जाते हैं, और दुनिया के लिए दारो रसन पर अपने, दुनिया के लिए दारो रसन पर अपने, सर छोड़ के दीवाने निकल जाते हैं, सर छोड़ के दीवाने निकल जाते हैं। अब एक हर्फ बदल के देखिए, हमने रवाई कही है कि सर दर्द मोहब्बत में मजा देता है, सिर्फ एक हर्फ बदलेगा बाकी ये जिक्र रहे हमेशा, कि सर दर्द मोहब्बत में मजा देता है, हर दर्द ओ सर क्या कहने, क्या सर दर्द मोहब्बत में मजा देता है, हर दर्द मोहब्बत में मजा देता है, ये दर्द बुरी चीज है माना हमने, पर दर्द मोहब्बत में मजा देता है, अच्छा सर दर्द मोहब्बत में मजा देता है, हर दर्द मोहब्बत में मजा देता है, ये दर्द बुरी चीज है माना हमने, पर दर्द मोहब्बत में मजा देता है। गजल का मतलब सुनिए, अच्छा कि बुनियाद संभाली कभी दीवार संभाली, बुनियाद संभाली कभी दीवार संभाली, एक दिल की इमारत थी कई बार संभाली, बुनियाद संभाली कभी दीवार संभाली, एक दिल की इमारत थी कई बार संभाली, एक दिल की इमारत थी कई बार संभाली, और सर अपना झुकाया ना कभी शाह के आगे। ये हमारा मामला रहा है, नहीं ये पूरा फिल्म इंडस्ट्री में मेरा रवैया रहा है, मेरा किरदार रहा है, कि सर अपना झुकाया ना किसी शाह के आगे, हर बार अना ने मेरी दस्तार संभाली, सर अपना झुकाया ना किसी शाह के आगे, हर बार अना ने मेरी दस्तार संभाली, और तलवार रखी और कलम को जो उठाया, तलवार रखी और कलम को जो उठाया, तलवार से बढ़कर कोई तलवार संभाली, तलवार रखी, तलवार रखी और कलम को जो उठाया, तलवार से बढ़कर कोई तलवार संभाली, और लोगों ने तो गिर गिर के फलक सर पे उठाया, लोगों ने तो गिर गिर के फलक सर पे उठाया, नादान थे हम दौलते मेयार संभाली, लोगों ने तो गिर गिर के फलक सर पे उठाया, नादान थे हम
दौलतें मैं यार संभाली, और ये देखिए आखिरी चीज इसका कि एक उम्र गुजर जाने पे महसूस हुआ, शायद देखिए एक उम्र गुजर जाने पे महसूस हुआ है ये जिंदगी बेकार थी, बेकार सवार। एक उम्र गुजर जाने पे महसूस हुआ है ये जिंदगी बेकार थी, बेकार संभाली, बुनियाद संभाली, घड़ी दीवार संभाली, एक दिल की इमारत थी कई बार संभाली। और देखिए गजल की कुछ अशआर कि रात भर तन्हा रहा, दिन भर अकेला मैं ही था। रात भर तन्हा रहा, दिन भर अकेला मैं ही था, शहर की आबादियों में अपने जैसा नहीं था। रात भर तन्हा रहा, दिन भर अकेला मैं ही था, शहर की आबादियों में अपने जैसा मैं ही था। ये जो शेर सुना रहा हूँ अभी, ये सुन के रूप कुमार ने कहा था कि ये तो वेद की ऋचा है, और उसने वो वेद का पूरा मुझे सुनाया था। पूछना था वो शेर है कि मैं ही दरिया, मैं ही तूफान, मैं ही था हर मौज भी, मैं ही दरिया, मैं ही, गीता में भी है ये, मैं ही दरिया, मैं ही तूफान, मैं ही था हर मौज भी, और मैं ही खुद को पी गया सदियों से प्यासा नहीं। मैं ही दरिया, मैं ही तूफान, मैं ही था हर मौज भी, मैं ही खुद को पी गया सदियों से प्यासा मैं ही था। और किस लिए कतरा के जाता है मुसाफिर दम तो ले। दूरदर्शन का मुशायरा हुआ था इस गजल पे, मुझे केपी साहब ने इतनी दाद दी थी, और पास में बुला के कहा था कि अश्ताब आपने बहुत अच्छे शेर सुनाए, बहुत दिनों बाद अच्छा शेर किया। ये शेर सुनिए, ऐसे होते हैं सीरियस, हाँ पहले ऐसे ही होते। मैं दूर खड़ा था उनसे डर के, तो पास बुलाया, अश्ताब इधर आओ। मैं गया, बोले आज तो आपने बहुत अच्छी शायरी पढ़ी, आज तो सब एक दूसरे से जलते जलते सही बात जलते। हमारे पेशरो जो थे वो अपने छोटों को मतलब ऐसे नवाजते थे, ऐसे मोहब्बत करते। केपी साहब ने दूर से बुलाया मुझे और कहा कि अस्ताद आपने बहुत अच्छी गजलें सुनाई। केपी आदमी, केपी आदमी तो किस लिए कतरा के जाता है मुसाफिर दम तो ले, किस लिए कतरा के जाता है मुसाफिर दम तो ले, आज सूखा पेड़ हूँ कल तेरा साया में ही। किस लिए कतरा के जाता है मुसाफिर दम तो ले, आज सूखा पेड़ हूँ कल तेरा साया में ही था, और मेरी आहट सुनने वाला दिल न था दुनिया के पास। मेरी आहट सुनने वाला दिल न था दुनिया के पास, सबकी आहट सबकी धड़कन सुनने वाला मैं ही था। मेरी आहट सुनने वाला दिल न था दुनिया के पास, सबकी आहट सबकी धड़कन सुनने वाला मैं ही था। आखिर में एक नज्म सुनाना चाहूंगा मैं, सब आजमगढ़ से ताल्लुक रखते हैं, गांव से ताल्लुक रखते हैं, तो गांव पे इन्होंने बहुत अच्छी एक गीत भी सुनाया, तो मुझे भी याद आया आ गया। पुराना यार जब मिलता है कोई पूछ लेता, जल्दी खत्म कर दूंगा। पुराना यार जब मिलता है कोई पूछ लेता हूँ, वतन में वो जो कच्चा घर था मेरा वो कैसा है। अच्छा भी वाह वाह वाह, कच्चा घर इसका उन्वान है नज्म का कि पुराना यार जब मिलता है कोई पूछ लेता हूँ, वतन में वो जो कच्चा घर था मेरा वो कैसा है, वो सब मिट्टी की दीवारें जरा जो सर से ऊंची थी, कहीं आड़ी कहीं तिरछी कि जो बिल्कुल नसीबी थी। वो सब मिट्टी की दीवारें जरा जो सर से ऊंची थी, कहीं आड़ी कहीं तिरछी कि जो बिल्कुल नसीबी थी, थी उन पर एक छत लोहे के बेतरतीब पत्रों की, थी उन पर एक छत लोहे के बेतरतीब पत्रों की, वो पत्रे आंधियां चलती तो अक्सर उड़ भी जाते थे, कभी वो टूट जाते थे कभी वो मुड़ भी जाते थे, कभी वो टूट जाते थे कभी वो मुड़ भी जाते थे,
नया खर्चा निकल आता था बारिश के जमाने में, नया खर्चा निकल आता था बारिश के जमाने में कि गहने माँ के बिक जाते थे उस मौसम सुहाने में। नया खर्चा निकल आता था बारिश के जमाने में कि गहने माँ के बिक जाते थे उस मौसम सुहाने में, उखड़ जाती थी दीवारें बिगड़ जाता था घर सारा, उखड़ जाती थी दीवारें बिगड़ जाता था घर सारा, सिमट जाता था एक कोने में सामान सफर सारा, सिमट जाता था एक कोने में सामान सफर सारा, कड़कती बिजलियां तो माँ के सीने से लिपट जाते, कड़कती बिजलियां तो माँ के सीने से लिपट जाते और खुशी से झूम उठते जबकि बादल सारे चढ़ जाते। वो घर गर्मी के मौसम में कोई तंदूर बन जाता, वो घर गर्मी के मौसम में कोई तंदूर बन जाता, वो घर गर्मी के मौसम में कोई तंदूर बन जाता, उसे माँ लीपती थी पोतती थी और सजाती थी, उसे माँ लीपती थी पोतती थी और सजाती थी कि कच्चे घर को वो नादान एक जन्नत बनाती थी, उसे माँ लीपती थी पोतती थी और सजाती थी कि कच्चे घर को वो नादान एक जन्नत बनाती थी, कि कच्चे घर को वो नादान एक जन्नत बनाती थी, मोहब्बत थी उसे उस घर के एक एक जर्रे जर्रे से, मोहब्बत थी उसे उस घर के एक एक जर्रे जर्रे से कि जिसकी धूल में एक रोज वो भी हो गई मिट्टी, कि जिसकी धूल में एक रोज वो भी हो गई मिट्टी, जनाजा जब उठा तो सब दरो दीवार रोए थे, जनाजा जब उठा तो सब दरो दीवार रोए थे, संभालेगा हमें अब कौन सभी ने ये सोचा था, वो कच्चा घर अजीजों ने मेरे अब बेच डाला, वो कच्चा घर अजीजों ने मेरे अब बेच डाला है, खुदा जाने वहाँ क्या हो गया क्या होने वाला है, पुराना यार जब मिलता है कोई पूछ लेता हूँ वतन में वो जो कच्चा घर था मेरा अब वो कैसा। सदर साहब की इजाजत से अब ये नशिस्त मुद्दी की जाती है अगले महीने के लिए, तो ये और बहुत ही बेहतरीन नशिस्त रही, यादगार नशिस्त रही कई हवाले से, और सब ने अच्छे शेर सुनाए, अच्छी अच्छी बातें की, कई ऐसी बातें आज इस महफिल में सामने आई जिनसे हम रोशनास हुए और जिन्हें हम नहीं जानते थे। इब्राहिम भाई का एक पूरा सफ़र इस मुख्तसर गुफ्तगू में समेटा इन्होंने, तो कुल मिला के बहुत अच्छा रहा। एक बार फिर आप तमाम हजरात का, तमाम दोस्तों का शुक्रिया, आप लोग आए और मुझे और मेरे मेहमान शायर मिसदाक आज़मी साहब को आप लोगों ने जो इज्जत बख्शी और जो उनको मोहब्बत दी, हौसला अफजाई की, इंशाल्लाह फिर आइंदा ऐसे किसी वक्त पर आप लोगों को फिर सहमत दी जाएगी और उम्मीद है आप लोग फिर मेरी दावत पर लबैक कहेंगे। तो बहुत शुक्रिया।